हमारे साथ मौजूद है नूर इलाज ट्रेडर्स के अनीक भाई, तो इनसे मालूम करेंगे इनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और इनकी प्राइसेस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं अनीक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करोड़ा 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 एहसान। अनीक भाई ये बताइए, आपके पास इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या क्या चीजें मौजूद है होलसेल रेट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हमारे पास। आपने अवामुल नास के लिए ये प्रोग्राम आपने तरतीब किया, क्योंकि लोग उस वक्त बहुत परेशान हैं, तो लोग यही चाह रहे हैं कि क्यों ना हमें कम से कम रेट में और सस्ता माल कहीं से मैसर हो। तो इसके लिए आजकल ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे लोगों को दो पैसे का फायदा है। तो इंशाल्लाह उसका सवाब आप ध्यान में ही रखिएगा कि आप भी जो बना रहे हैं वो भी सवाब की खातिर बना रहे हैं, और आपको भी जो ना सवाब इंशाल्लाह मिलेगा, इसका लोगों को फायदा होगा। अब आ गया दूसरी बात के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे चावल, दालें, उसके अलावा ऑयल, ये पुलिस का एक शरबत है आपको दिखा रहा हूँ मैं, और दाले मसाला, मतलब मसाले में हमारे पास चार आइटम है, मिर्च पिसी हुई है, कुटी हुई है और धनिया हल्दी है। ये अच्छा अच्छी क्वालिटी का माल है। दूसरी बात ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल का काम है कराची भर, पूरी कराची में तकरीबन हमारा होलसेल में माल जाता है दुकानदारों को। तो फिर हमारे जेल में एक साल हुआ तकरीबन रजत के लेने से, हमने आपने देखा होगा हमारी मुख्तलिफ वीडियो बनी है, लोग आते हैं मोहब्बत से हजार करते हैं। तो हमने उस टाइम पे ये जेल में बात आई कि उस महंगाई के दौर में वो रब को राजी करने वाला काम भी इंसान को करना चाहिए। कमाना तो सारी जिंदगी का है, हम कमाते ही रहते हैं पूरा साल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, उस पाक परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करें कम है। तो फिर हमारे जहन में जब ख्याल आया तो फिर हमने ये काम शुरू किया, और जो होलसेल रेट में हम जो दुकानदारों को दे रहे थे उससे हमने 2 रुपए यानी कि 2-3 रुपए का फर्क रखा। 2-3 रुपए पे हमने यहाँ 1-1 किलो की पैकिंग दालों की कर दी, और चावल भी 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, ताकि आवाम को सस्ता माल मैसर हो सके। ठीक है, अब वो हमारा मसला ये है कि जो लोग जो परेशान है ना, तो उसमें देखते हुए हमने ये काम किया। रिटेल में अगर आप चले जाए, दालों के रेट ले लें और हमारे रेट ले लें, तो कम से कम 1 किलो में 40-50 रुपए, 60 रुपए फर्क मिलेगा। अच्छा, तो हमारे बेहतरीन। इसकी वजह ये है कि हम जैसे चने की दाल इस वक्त दे रहे हैं 200 और 250 रुपए के पर के जी, 210 रुपए के जी। आप कहीं भी चले जाए मोहल्ले में, आपको 240 रुपए में मिलेगी, 260 रुपए में मिलेगी चने की दाल, जो हम दे रहे हैं 210 रुपए। अब आ गया मूंग की दाल के ऊपर, जरा मूंग दाल अच्छी वाली जो है इस वक्त रिटेल बिक रही है 280 रुपए की, रिटेल में लोग बेच रहे हैं, और हम यहाँ पे दे रहे हैं 220 रुपए पर किलो। इस तरीके से चावल जो है उसके अंदर भी हमारे रेट देना, यानी कि 30-40-50 रुपए पर किलो में फर्क है। मैं आपको यूँ बताऊंगा कि एक ये बासमती का पोनिया चावल है जी, ये जरूर आप देखिएगा, ये जो है 250 रुपए लोग बेच रहे हैं, डबल स्टीम ये जरा करीब से आप छोड़ लीजिएगा, लोग यहाँ पे 250 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, इस वक्त अल्लाह जानता है अगर हम दुकानदारों को दे रहे हैं 210 रुपए, हमने यहाँ पे पैकिंग में ये 200 रुपए किलो रखा है। क्या बात, पैक करने के बाद दुकानदार हमसे ले जाते हैं 210 रुपए, और पैक करने के बाद भी हम 200 रुपए में दे रहे हैं छोटा चावल, डबल स्टीम कायनात का। अब आ गया इसके अलावा इससे ऊपर पे, ये पुराने चावल है हमारे पास, चावल एक तो है पुराना, ठीक है ना, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का पॉलिश हो रहा है। पहले ये पुराना माल था, हमने इसको प्रोसेस करा लिया, अब ये रोज मजा का चावल है। ये प्रोसेस करने के बाद जनाब इस वक्त हम दे रहे हैं लोगों को 240 रुपए पर किलो, सिर्फ 240 रुपए जी, साबुत चावल, ये बेहतरीन रोज पका सकता है और जनाब गुजारा कर ले आदमी। अब आए इससे नीचे वाले पे, तो एक थल्ला चला था, यानी कि शॉर्ट ग्रेन जिसे हम देते हैं, वो जो है दमा का चावल जो 400 रुपए किलो रिटेल देता है, ठीक है, उसका थल्ला शॉर्ट ग्रेन है, ये मार्केट में 280-290 रुपए बिक रहा है शॉर्ट ग्रेन। कायनात चावल जो होता है ना 400 रुपए किलो वाला पुराना, ये हम दे रहे हैं जनाब 260 रुपए में, 260 रुपए जी हाँ, ये 300 रुपए का बिकता है रिटर्न में, 280-290-300, लेकिन ये पुराना माल है, पकाई वाला माल है, फोन करो ऐसा लगता है साबित पक रहा है जबरदस्त। अब ये देखेंगे कायनात का है, ये चावल आया, ये देखिएगा आप उसको, बिल्कुल लंबे लंबे दाने देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं, ये मार्केट में तकरीबन 350 रुपए साफ सुथरे हैं, बिल्कुल बरिश किया हुआ है, छोड़ के लिए हमारे
ये मार्केट में 350 रुपए दाम है। 350 जी हाँ, ये 280 रुपए में दे रहे। आप 280 में दे रहे? बिल्कुल, ये 280 में कायरा चावल बहुत जबरदस्त चावल है। ये बाजार से ऊंचा चावल है, ये धमाका धमाका, ये धमाका के नाम से ये भी कायरा है। ये उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का माल है और ये देखे माल कितना है, उससे ज्यादा लंबा है। फुल साइज किंग साइज जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये मार्केट में 400 रुपए तक बेच रहे लोग, कोई जो है इसको बेच रहा है 350 में, बहुत ईमानदार है। और 400 रुपए का हम नॉर्मल मतलब चल रहा है बड़े बड़े स्टोरों पे भी, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे दे रहे हैं 300 रुपए पर किलो। 300 रुपए जी, 300 रुपए में धमाका आपके सामने। जिस तरीके से हमारे पास आपको अच्छा सेना चावल है, वो भी ये 300 रुपए दाम है हमारे पास जी। हाँ, और भी क्वालिटी आपकी चावलों में हमारे पास बेशुमार क्वालिटी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेगुलर इस्तेमाल करने वाली आइटम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि जो आम ग्राहक जो ले रहे हैं ना, उसके हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ, जिसको लोगों की जरूरत की बात बता रहा हूँ। फालतू आइटम नहीं दिखा रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत है, लोग परेशान है यार। आप लोगों का दर्द देखे, एक वक्त का खाना खाना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी 20,000-25,000 रुपए उसकी सैलरी है, सही बात है। बच्चों को पढ़ाएगा, तनख्वाह देगा, या बिजली का बिल भरेगा, घर का किराया देगा, या बच्चों की दवाई करेगा। अभी ऐसे वक्त, ये वक्त निकल जाएगा, ये वक्त आ गया है। मुश्किल औकात है हमारे पास, अच्छा। मुश्किल औकात में कम अज कम हमारे जो है कारोबारी हजरात को मैं समझता हूँ ये चाहिए कि वो अपना मुनाफा छोड़ दे। सारी जिंदगी सारी जिंदगी अल्लाह ने दी है, अगर 2-4 साल मुश्किल से निकल जाएंगे ना, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। और किसी की दुआएं लगी हुई, और अगर दुआ लग गई किसी की, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब बेकार है, कम से कम फ्री में हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी आगे इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारी बेकार है। लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि लोगों को सस्ता माल, अच्छा माल मुहैया करे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, हमारी सबसे बड़ी खूबी ये है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रमजानों के राशन देवी भी होते हैं। अच्छा, हाँ, रमजान में जो बांटते हैं लोग, रजब शाबान से हम शुरू करते हैं। जब आप आइए, मैं आपको नई वीडियो बना लीजिएगा, रजब में आप आ जाइएगा, तो रजब शाबान के मिनिमम राशन पैकेजेस के हमारे होलसेल का काम है। लोग दूर दूर से अल्हम्दुलिल्लाह 500-500 बैग बनवाते हैं, 1,000 बैग बनाते, 5,000 बैग वक्त नहीं है, उसके अंदर हम लोग बैग भी बना के देते हैं मुख्तलि प्राइस के, और एक नंबर क्वालिटी। सैलाब जगदान के लिए जो है माल हमने यहाँ से बेशुमार भेजा, और हमारा ये था कि जो राशन जो बैग है ना जी, उसको आप उठा के पानी में फेंक के बाहर निकालो, उसमें पानी नहीं जाएगा। पैकिंग ऐसी थी हमारी, यानी खुदा ना खास किसी गरीब का गिर भी जाए तो अगले का लॉस ना हो, थोड़ी गुजारा उठा ले तो पैकिंग इस्तेमाल। उसकी आपको वजह बताऊँ की आप देखें, हमारे पास दालों की पैकिंग है, चावल की भी पैकिंग है। ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैं एक दो पीस देना बेटा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये देखिए हमारी पैकिंग है, ये दालों की पैकिंग है हमारी। अब ये दालों की पैकिंग अमूमन जो है लोग जो दे रहे होते हैं वो दूध वाली थैली में डालते हैं, हम उसमें नहीं कर रहे, ये हमें 4-5 रुपए की थैली लगा रहे हैं। अच्छा, अगर कस्टमर को माल जाए ना तो अच्छा जाए, अगर ये माल कट्टे में भी अगर हम भरते हैं ना, ये मजबूत थोड़ी है, फटती नहीं है, जिससे दाल मिल रही है या कोई नुकसान नहीं होता। हम हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ये पैकिंग की है, सारी दालें भी ऐसे किलो की पैकिंग है आपसे। और ये चावल की हमारी 5 किलो की थोड़ी है, ये दवा का चावल है, हम 300 रुपए आपको बताया था, 300 रुपए जी हाँ, 240 रुपए साबुत चावल बताया था, उसकी ये 5 किलो की थोड़ी है। एक बात आपको और बता दूं मैं, ये शरबत हमारे पास होता है कुछ का, इस वक्त नई कीमत इसकी 300 रुपए आ चुकी है, पुरानी कीमत है इसकी 250 रुपए, ठीक है। हम दे रहे हैं इसके 200 रुपए में, 200 रुपए में दे रहे हैं। आप होलसेल में भी जाएंगे ना 230 की मिलेगी, यानी इतना बड़ा डिस्काउंट उसका ही हमें है, हमारे पास है सस्ता माल है, तो लोगों को दे रहे। यही रूल 400 रुपए में इतनी बेहतर होती है, और ये 200 रुपए में आप आगे पैसे में सेम जाएगा, और ये ब्रांड है, कोई हल्की क्वालिटी नहीं है, उसका एक नाम है, उसको बने हुए भी मेरा ख्याल है कि कोई 40-41 साल पुरानी कंपनी है, बड़ा अच्छा नाम है, ये भी 200 रुपए लोगों में मकसद ये है हमारा कि यार लोग परेशान है, अब 400 रुपए की आप रोजगार में जो मजे ले रहे हैं वो आप 200 रुपए में लो ना, कुछ का अच्छी है, 200 रुपए की बचत एक आइटम में, 200 रुपए में अच्छा काम हो रहा है। महंगाई के दौर में 400 रुपए क्यों खर्च करे यार, लोग परेशान है, लोगों को हर तरह से हमेशा फायदे की सोचो।
यही बात है कि आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा कर देता है। ये बताइए दालें कौन कौन सी है? ये मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, मसूर साबुत, माश की दाल, मूंग दाल जैसे मार्केट में 280 साफ सुथरी क्वालिटी वाली है, 220 रुपए दाल है। ये चने की दाल 240-250 बिक रही है, ये हम 210 रुपए में दे रहे हैं। मसूर की दाल जो लोग 380-360 इस तरह चला रहे हैं, ये हम दे रहे हैं जनाब 300 रुपए दे रहे हैं। इसमें कंकड़ पत्थर साफ की है, ये मसूर साबुत 800 रुपए का बिक रहा है, हम 350 का दे रहे हैं। ये 900 ग्राम है, 370 रुपए की थोड़ी की है, ठीक है सर। और दूसरी बात आपको एक और बात बता दूंगी, बिल फर्ज अगर इसके रेट कम हो जाते हैं ऊपर, जब ये एक्सपोर्ट माल बाहर से आते हैं तमाम, अगर रेट कम हो गए तो हम मजीद कम करेंगे। ये भी नहीं है कि आज रेट अच्छा, भले हमारे पास स्टॉक हो, अगर हमारे पास स्टॉक हुआ भी ना तो भी हम रेट कम करके देंगे। रेट कम होने की सूरत में तो रेट बढ़ जाते हैं तो फिर हम थोड़े दिनों के बाद बढ़ाते, फौरन नहीं बढ़ाते ना। अनुभव पाकिस्तान में तो जो रेट बढ़ जाते हैं कमी नहीं होते, बस ये हमारे अल्लाह ताला ने गर्म किया दिल में, रब ने बात जारी है, घोषणा का मरीज हूँ, उन्होंने ये बात डाल दी है, तो बस हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं। ये अंदर देखो चावल के सारे बोरिया इकट्ठे वगैरह पूरी दुकान में है, ये दाल चावल वगैरह है सारा, 25-50 किलो की डेबी वाले माल है। और उसके अलावा आप इस तरफ देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड पे तो ये 1 किलो की पैकिंग में जो अलहमदुल्ला अल्लाह पाक का करम है, ये हम अपने लिए नहीं सोच रहे, हम आखिरत के लिए सोच रहे हैं, आखिरत भी आप बाहर से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पैकिंग वाला माल और स्टॉक अंदर बहुत है, आप आगे जाते ये चले जाए, आपको बोलता रहूँ स्टॉक दे रहे अंदर, आप देख लीजिए बढ़ी जाए, इंशाल्लाह आपको खुद पता चलेगा ये माल हम जो दे रहे हैं ये सामने। ये इसके अलावा ये नीचे आप देखें मिर्च मसाले रखे हुए, हल्दी धनिया मिर्ची है वो भी आप देख लीजिए, चक्की की पीसी हुई अच्छी वाली एक पाव का पैकेट है, 150-160 रुपए का जो बिकता है, जो 200 रुपए में आम भी है। और उसके अलावा अंदर आप जाके देखें चावल दालें वगैरह आपको नजर आएगी। ये चक्की से पिसाया हुआ जो है ये वो चीज है, हाँ अलहमदुल्ला हम बाहर से नहीं पिसवा था, नहीं 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 हमारा अपने भी है पिसवा के हमारे बंदा करा रहे थे। अच्छा अपनी निगरानी में काम देखे ना, इतना काम जो हम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें बंदे को भी रखने पड़ते हैं, तो हर जगह पे एक एक बंदे दो दो बंदे हमारे जरा लगे हुए होते हैं, चेक कर रहे होते हैं माल को हर चीज, क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है भाई, नजर ये बिल्कुल उसके आप देख भी रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि चावल दालें वगैरह हमारे पास शिकायत वाला अलहमदुल्ला काम नहीं है। अच्छा दूसरी बात आपको एक और भी मजे वाली बात बता दू, आपने मुझसे कोई चीज खरीदी और दिन भर में आपको समझ में नहीं आई, तो अमूमन दुकानदार ये करते हैं ये बदली हो जाएगा वापस नहीं लेंगे, सही ना। हम तो ये कहते हैं कि ये भी सुना है, इसकी वजह ये है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आपको चेंज नहीं करनी है तो मैं आपको पैसे दूंगा वापस, ये सरल हुकूमत सही ना, क्योंकि ये गलत तरीके का आ रहे जो वापस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, उसको समझ में नहीं आया आप वापस करें पैसे नहीं लिया, हमने यानी ग्राहक को अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही पैसे ले सकते, पैसे वापस नहीं आए बिल्कुल, पैसे वापस नहीं आए, पैसे ले जाए चेंज करना चेंज करें, पैसे चाहिए पैसे नहीं, और मुंह नहीं बिगा रही है, साथ में हम उसके साथ माजरत कर रहे हैं कि हमारी कोई चीज आपको पसंद नहीं आई, इसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माजरत करिए ताकि वो दोबारा भी आएगा। अच्छा अली भाई हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे पहले अपने यहाँ पे एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस आप ले लें मेरा, देखो ये जोरिया बाजार गलत है हमारा, ठीक है ना। अब ये सिटी कॉर्नर हमारे सामने सीधी आज रोड पे सिटी कॉर्नर है, अब आप सिटी कॉर्नर के जो सामने गली है इस गली का नाम है छब्बा स्ट्रीट इस गली का नाम है, ठीक है। और इस बिल्डिंग के हम बैठे हुए हमारे ऊपर की बड़ी बिल्डिंग है उसका नाम है पूना वाला ट्रेड टावर, ठीक है। और हमारी शॉप का नाम है नूरी राज ट्रेडर और आपके खादिम का नाम है हनीफ बाबा। हनीफ बाबा कितने साल हो गए? मैं तकरीबन फील्ड में तो मुझे 30-40 साल हो गए, 40 साल, लेकिन ये काम को हमने 1.5 साल से बढ़ा दिया, जो ये कर रहे हैं ना जो वीडियो वगैरह कर रहे हैं, ये पिछले साल हमारे जहन में अल्लाह तला ने डाली और ये काम किया तो लोग बड़ा मेरे पास अलहमदुल्ला मदीना शरीफ से फोन आए पैकेजिंग बनवाए, क्या बात, और दूर दूर से आते और यहाँ तक कि मेरे पास पंजाब के लोग बोलते हैं अल्लाह का वास्ता है हमारे वहाँ पे आप ब्रांच खोले, लेकिन मैं अकेला कहाँ जाऊँ, मैं कुछ दुनिया के लिए तो काम इतना और दुनिया के लिए इतनी सोच नहीं है कि यार ये खोल लो हवस तो पेट इंसान का भरता नहीं है, कितना हो रहा है ऑनलाइन नहीं है भाई, हम यहाँ पर आए
और माल ले गए और इसके अलावा इंशाल्लाह रजब रजब शाबान रमजान में हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी नहीं होती है? नहीं होगी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम मगरिब तक, रमजानों में भी मगरिब से पहले हमारी दुकान बंद हो जाती है, रात में नहीं हो जाता। और जो पैकेजिंग वगैरह हमारे गोदाम वगैरह भी है वहाँ पे बना के लोगों को दे देते हैं, राशन बैग अच्छे हैं, चुट्टी के मसाले हमारे पास, ये कुटी मिर्च है, ये खुशी मिर्च है, ये गन्ने का एक पैकेट है, ये हल्दी है, उसका रंग देखे आप कितना प्यारा है, ये हल्दी, ये सारे कुट्टी के मसाले हैं। क्या रेट है इसके? ये सिर्फ 160 रुपए का पैकेट है, अगर ये 4 पैकेट आप लेंगे तो ये बनते हैं 640, लेकिन 4 पैकेट पूरे लेने में हमने एक बना है वो 600 वाले हैं, यानी कि 100 बता इसमें भी डिस्काउंट और डिस्काउंट देखिए ये हमारी दुकान है जी। यहाँ पे ये स्टॉक आपको मैं दिखा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कर्म ही कर्म है, गोस्वाग का सब बुजुर्गों का मेरे रब का कर्म है जो इतना मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, ये सब लोगों को माल देने के लिए ही रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना ये काम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा होलसेल का काम है ना, कराची में पूरे में दुकानदारों को माल जाता है जी जी, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें माल तो इस वक्त रखना पड़ता है ना। इसके अलावा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वेयर हाउस भी होता है, लेकिन हम काम जो है ना ये जो कर रहे हैं ना जी, ये बस अल्लाह ताला करम करे, बस ये इसीलिए कर रहे हैं। हर किस्म के चावल मिल जाएंगे जी? जी चावल आपको सब किस्म के, सेला चावल रखा है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, आप देखिए मैं आपको ये बता दू, ये हमारा अपना ब्रांड है जी, और इस पे आपको ये नजर आएगा, ये आपको नाम लिखा हुआ मेरा नजर आ रहा है, देखिए सेना चावल है बाबा गोल्ड के नाम से, अनीक बाबा नाम लिखा हुआ है, ये हमारा अपना ब्रांड है ठीक है, ये हमारा एक ब्रांड है हीर के ब्रांड, जो 280 रुपए मैंने आपको बताया ना जी, ये उसका ऊपर तक आप देखे नीचे तक भी है पूरा लाड है। इसके अलावा? इसके अलावा ये पड़ा हुआ, ये यही 280 वाला माल ये पड़ा हुआ, यहाँ यहाँ पड़ा हुआ, ये देखे ये सारा पड़ा हुआ नीचे तक आप देखे, और ये भी पड़ा हुआ, ये सेला चावल है हमारे पास, ये सेला है। इसके अलावा बहुत सारी वरायटियां हैं इधर, मैं गोदाम में कम आता हूँ, ये हमारा जो मैंने आपको बताया था स्पेशल 300 वाला जी, उसका ये लाट लगाओ 500-700 कटे ये पड़े हुए, और भी माल है अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो काम नहीं करते, काम वो करते हैं अच्छा, क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है, क्वालिटी इतना माल है, बड़ा गप का कर्म है, क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, जो ना मुनाफा वगैरह ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, नहीं नहीं मुनाफे के लिए काम ही नहीं है, जहन ही नहीं है, और मुनाफा रब इतना दे देता है कि हमें मतलब जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह मेरे रब का करम है यार, अल्लाह ताला चला रहे, इस उम्र में भी हम चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, तो लोगों के को ये भी मैसर नहीं है, लेकिन करम है ना मेरे रब का, तो फिर आप खिदमत भी करो, सारी जिंदगी कमाया है, कोई मसला नहीं है यार, और इसमें होता है होने दो, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं करो, दुनिया के लिए जब हम नहीं करेंगे आखिरत के लिए करते हैं ना, तो दुनिया खुद ब खुद पीछे आती है, मैं दुनिया के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक ये बात नहीं कही है, और आज आपको दावे से ये बात कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, बहुत बड़ी बात, और मैं आपको ये बता दूँ मेरे रब ने नवाजा है, उसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ, जो बुजुर्गान दीन जितने भी हमारे हैं उन सबका ये नजर है, सारा हम उस पर है जो ये काम हो रहा है, वरना मेरे में ये मेरे बस का काम नहीं था, ये पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ से किस तरीके से करवाता है, और मैं दुनिया के पीछे नहीं भागता हूँ, मेरे आप हुलिया देखें आप अंदाजा लगा लेंगे, एक सिंपल सा हुलिया, ना गुरूर ना तकब्बुर अल्लाह ना दिलाए, क्योंकि सारा यही रह जाएगा, किसी को कोई साथ दिया है जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, आप ये जरा सोचे, तो इसके लिए बाकी बेकार है कि हम दुनिया को अच्छी कर ले, आप आखिरत ही, मैं तमाम आपकी दुआ से ये कहना चाह रहा हूँ आपके वेवर्स को, जो जो हजरात मुझसे माल लेना चाहे आए ना आए कोई मसला नहीं, सब मेरे लिए काबिल इज्जत है, सिर्फ मैं अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मेरी दुनिया तो अच्छी करी है, अल्लाह कर रहा है, मेरी आखिरत अच्छी हो जाए, मैं सिर्फ ये नीयत रखता हूँ, तो मेरे घर वाले मना कर दे कि आप नहीं जाओ काम पे, मैं भी ना बोला नहीं अच्छा काम हो रहा है तो कर दीजिए, मेरे हाथ से हो जाए, अब मैं ये काम करूंगा तो मेरे बच्चों में भी ऐसी आदतें आएगी, ये ज़हनियत है हमारी, ये मैंने आपको बता दिया। आपको जाते हुए एक बात और बताना भूल गया था, कि मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, बस ये मेरा कहना था, बस ये हमारा कमाल नहीं है, ये जो भी आपके सामने मैंने बात की है ये अल्लाह की तरफ से आता है, और मेरे दिल में बात आई मेरे रब ने डाली बुजुर्गों को सदके से, तो मैंने आपकी खिदमत में ये पेश कर ली है, और ये सर भाई इंशाल्लाह आपका लोग मुझे उम्मीद है, मैं नाउम्मीद भी रहता हूँ अल्लाह की दया से, मैं गिरता हूँ फिर संभल जाता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी एक अल्फाज के ऊपर
आप देखिएगा आपके चैनल को कितने व्यूवर मिलते हैं, आप आगे खुद बताएंगे कि यार लोगों ने आपके जो वीडियो की वजह से मेरा चैनल भी ऊपर गया। आपको बस अल्लाह ताला बरकत दे और अल्लाह ताला आपके ईमान की हिफाजत करे, आपके चैनल को तरक्की दे और उस पर पहुंचाए जैसा आप चाहते हैं, जो आपकी सोच है उससे भी ज्यादा अच्छा हो।